Assalamualaikum to all of you. आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज आप लोग मेरा नया सेटअप देख के हैरान होंगे कि मतलब इतने सारे हैं, वो भी कच्चे भांडे है ना, कि जो अपने कच्चे भांडों में छोटी छोटी खुशबुएं आती हैं, मतलब ताज़ा खुशबू मट्टी की, उस चीज़ का मुकाबला ही दुनिया में कोई नहीं है। जब इसमें पानी पीने का इतना मज़ा आता है और आप गाँव नहीं ना जा सकते हो, तो आप कम अज़ कम उन चीज़ों को, उन यादों को तरोताज़ा तो कर ही सकते हो। तो खैर, मैंने भी सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा अपना सेटअप चेंज करें और एक ट्रेडिशनल सेटअप लेके आए। हमारे आज मैं आप लोगों को एक मज़े की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, वो है आम पन्ना। जब तक मेरे बच्चे नहीं उठते तब तक आम पन्ना बनाते हैं, और साथ साथ मैं आपको बनाऊंगी तवा फ्राई बैंगन, बनाना सिखाऊंगी, बनाऊंगी नहीं, मेरी बातों में मत जाइएगा। तो चले अपना हम काम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें अपनी कच्ची कैरी डालेंगे, अपने कच्चे आम, इसको चूल्हे पे रखते हैं और ये जब तक गर्म होंगे तो साथ साथ हम लोग अपनी काली मिर्चें जो हैं वो कूट लेंगे और हम अपने बाकी काम करेंगे। वैसे तो लोग इसको प्रेशर कुकर में भी करते हैं, लेकिन यह है कि उसमें वो मज़ा नहीं आना जो एक देसी टच में मज़ा आता है। तो हम इसी में इनको बॉयल कर लेंगे, तो उम्मीद है कि जल्दी हो ही जाएगा। हम आम पन्ना के लिए जो है ना काली मिर्चें वो कूटने लगे हैं, थोड़ा सा इसको पीस लेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ों में ना एक ज़्यादा ही मज़ा है। ये मैंने काली मिर्चें जो है ना वो पीस ली है ग्रैंड, मतलब चट्टू बट्टे में अपने में, और ये मैंने अपनी ज़ीरा जो है उसको हल्का सा फ्राई कर लिया है, ताकि ना हल्के से फ्राई का बहुत मज़ा आता है उसमें। और ये मेरी एक अदद लस्सी, और ये मैं अब जो है ना सूखा धनिया इसको पीसने लगी हूँ। मैं सोचा मैं सूखा धनिया जो है ना इसको अच्छी तरह चट्टू बट्टे में ठाट ठाट ठीठी कर दूँ इसकी अच्छी तरह। पता जो चीज़ ट्रेडिशनल स्टाइल में बने ना उसका एक अलग मज़ा होता है, क्योंकि ना उसमें एक सूंधी सूंधी सी खुशबू होती है, जो कि इसलिए तो कहते हैं कि गर्मियों के अंदर अगर आपके पास तंदूर की रोटी हो और करेले का सालन हो, साथ चाटी की लस्सी हो, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। चाटी की लस्सी से याद आया, मेरे पास चाटी की लस्सी तो नहीं है, मेरे पास दूसरी लस्सी है। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए आपको साथ साथ कोई भी ड्रिंक ग्लास में रखना चाहिए, तो मैं गर्मियों में लस्सी को प्रेफर करती हूँ। साथ साथ मैंने कहा तवा फ्राई के लिए ना बैंगन जो है ना उनको भी कट कर लेते हैं अच्छी तरह। इसमें आप लोगों ने ऐसे डीप कट लगाने हैं और इसके अंदर फिर हम लोग मसाला भरेंगे अच्छी तरह। अच्छा, तो अब मैं जो है ना इसके लिए मसाला रेडी करने लगी हूँ बैंगन के लिए। तो उसके लिए एक फुल जो स्पून है ना वो मैं सॉल्ट लूँगी, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से लें, और ये फ्राई किया हुआ ज़ीरा, और इतना ही मैं सूखा धनिया लूँगी। और साथ मैं इसमें लूंगी रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्च है। तो ये जी मेरा मसाला हो गया है रेडी, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए ये मिक्स होके कुछ इस तरह से लग रहा है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे
एक टाइम में जितने बैंगन पूरे आए उतने रख लेंगे। इनके ऊपर भी हल्का सा ऑयल डाल देंगे। लीड के साथ कवर कर लेंगे। ये देखें, ये साथ साथ आप ना इस तरह करके देखिए कितने आराम से उतर है। मैंने ना इसको इसके छिलके इसलिए नहीं उतार के इसको बॉईल किया था क्योंकि ना फिर हर चीज़ में ना बहुत से फ़ायदे होते हैं। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके डाला था, इसके छिलकों में बहुत फ़ायदे हैं ना, तो मैंने कहा हम क्यों कोई चीज़ ज़ाया करें, इसलिए हमने इसको पील ऑफ नहीं किया था। अब ये देखें कितने आराम से इसका गुदा निकल रहा है। ये देखें इसमें से कितने आराम से सीट जो है ना वो निकल आएगा। ये देखें ये जो ये इसकी गुठली निकल आई है। बहुत गर्म है ये देखें। देखें मैंने सारी आंखों को गुदा निकाल लिया, सारा उसको पील ऑफ कर लिया है, ये उसके अंदर से निकला है। इसके अंदर सीट भी बड़ी आराम से निकल गए। अब इसको मैं डालूंगी जूसर के अंदर और इसमें मैं डालूंगी बहुत मजे मजे की चीज़ें और मैं आपको बना के दिखाऊंगी आज का आम पन्ना, ठीक है। और ये जो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है और ठंडा भी होता है, ठीक है। तो चलिए हाँ जी, तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच काला नमक, 1 टीस्पून डालिएगा और 1 टीस्पून आप लोग डालिएगा ये ज़ीरा, और ज़ीरा फ्राई किया हुआ है, और हसबे जायका अपना नमक डाल लें और चीनी जो है ना वो आप ज़्यादा डालें और इस तरह वो खट्टा मीठा हो जाएगा। चीनी आप कोशिश करें ये सारी डालें, 1/4 कह लें। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे और फिर पी के बताएंगे कि जूस वो हमारा ये कैसा बने आम पन्ना। मेरे पास आइसक्रीम नहीं थे तो मैंने ऐसी बर्फ तोड़ के ना तो सीधी से डाल ली है। ये हमारा कैरी का शरबत तैयार है और इसमें हम थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे और ये ले हमने साथ अपने वो आम पन्ना बना लिया और साथ में कैरी थोड़ा सा ना कैरी के चिप्स टाइप बना लेते हैं। तो ये हम लोग पहले बचपन में तो खाते होते थे तो बहुत मजे का लगता है।
ये देखो कितने मज़े का बना है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है।